Chapter 10, Add Our Points, Part 5. Let's see the further topic of this chapter. Me too, okay? So, what is our topic on this page? K-I-L-L-E-R, killer. L-I-Z-A-R-D, lizard. Killer lizard. Okay, so lizard, dekhi hai aapne, aapke ghar mein hoti hai kabhi kabhi. Okay, this is killer lizard. Can you see the color? It's a green color, very poisonous. Bahut zehreeli hoti hai, right? Not like this, generally it nahi hoti, but here the green color is given, and that's why I'm telling. Okay, so now let's read this lines, sentence. Lizard, M-O-V-E-S, moves from one H-O-L hole to another. Lizard kya karti hai? Ek hole se dusre hole pe move karti hai. Move karna yane jana. Can you see that? Can you? This is the hole. Okay, page number 82. This, can you see this here? This circle is a hole, right? As it moves, it, E-A-T-S, it's, I-N-S-E-C-T-S, insects, H-I-D-D-E-N, hidden in the hole. जैसे वो move करती है, जो होल के अंदर इंसेक्ट्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे इंसेक्ट दिख रहे हैं, छोटे छोटे एंड होती है, बटरफ्लाई होती है, ओके, बग्स होते हैं, वो सारे इंसेक्ट्स है, वो जो छुपे होते हैं उसको खा जाती है. द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन ईच होल इज शोन. यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, वो इंसेक्ट्स के नंबर है, यानी ये वाले हॉल में वन है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स नहीं है, यहाँ पे टू इंसेक्ट्स है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फाइव, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, राइट स्टूडेंट्स? ओके, द लिजार्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइंस. यहाँ पे क्या है कि लिजार्ड जो है, ये लाइंस देख रहे हैं ना आपको, ये लाइन दिख रही है, वही नंबर पे मूव कर सकती है. यहाँ पे जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेगी तो वो सिक्स पे मूव करेगी, थ्री पे करेगी, एट पे करेगी, पर वो यहाँ से सिक्स टू एट पे मूव नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे लाइन नहीं दी गई है. सेम है, यहाँ से एट से टू पे लाइन दी गई है, नहीं तो वो ऐसे मूव नहीं करेगी. वो कैसे मूव करेगी? यहाँ पे जैसे लाइन दी गई है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो मूव कर सकती है इंसेक्ट्स को ईट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन, S-T-A-R-T-I-N-G, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर. तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगी? ब्लू होल से. कैन यू सी द ब्लू होल? यस. द लिजार्ड गोज टू थ्री हॉल्स टू ईट 18 इंसेक्ट. यानी लिजार्ड जो है वो थ्री हॉल्स में जाएगी और 18 इंसेक्ट्स को खा जाएगी. समझ में आया? अंडरस्टूड? थ्री हॉल्स मिला के उसको 18 इंसेक्ट्स को ईट करना है. सी द नेक्स्ट वन, दिस इज द पार्ट द लिजार्ड टेक्स. यहाँ पे जो पाथ दिखाया गया है वो लिजार्ड टेक करेगी. पाथ यानी ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइन दिख रही है ना, वो उसका पाथ है. पाथ यानी रास्ता. ओके, कौन सा पाथ है? 8 प्लस 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 18. यानी वो थ्री होल में पास होगी और 18 इंसेक्ट्स को खाएगी. तो कौन सा रास्ता है? देखो, अब यहाँ से वो ब्लू होल में एंटर होगी, ठीक है, वहाँ से वो 8 के पास जाएगी. उसके बाद कौन सा नंबर है? 1. 8 के बाद वो 1 के पास जाएगी, ठीक है. 1 के बाद कौन सा नंबर है? 9. उसके बाद 9 के पास जाएगी. यानी 1, 2 और 3 हॉल में जाके वो टोटल कितने इंसेक्ट्स को खा जाएगी? 18. अंडरस्टूड? सो 18 होता है ना, 8 प्लस 1 इज 9 एंड 9 प्लस 9 इज 18. यानी तीनों नंबर का टोटल 18 हो रहा है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. डब्ल्यू एच ए टी व्हाट पी ए टी एच पाथ कैन द लिजार्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे लिजार्ड ऐसा कौन सा रास्ता लेगी? पाथ यानी रास्ता, जिससे वो 12 इंसेक्ट्स को खा सकती है. यानी उसको कितने होल में पास होना है? यहाँ पे दिया है 1, 2 और 3. थ्री होल में ऐसा कौन सा नंबर में पास होगी जिसका टोटल होगा 12? यानी हमें यहाँ पे ऐसे तीन नंबर लिखने हैं जिसका टोटल हो रहा हो 12. यानी वो 12 इंसेक्ट्स को खा जाएगी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे, कैन यू सी हियर, अगर यहाँ से वो पास हो रही है तो हम कौन सा नंबर पे जाएंगे तो 12 होगा? हु विल से दिस? कौन बताएगा? एनीवन विल से? देखो, हम यहाँ पे जाएंगे 8 के पास जाएंगे, ओके, 8, और उसके बाद कौन सा नंबर होगा? सी दिस, अगर वो ब्लू होल से जाएगी तो पहले वो 2 के पास जाएगी, ठीक है, 2 इंसेक्ट खा लिए, तो हम यहाँ पे लिखे 2, ओके,
हाँ फिर वन पे जाएगी, तो थ्री हो गए, तो आई राइट हियर वन, ये वो सर्कल में मैं वन लिख रही हूँ। 2 + 3, 2 + 1 3 हो गया। अब कितने बाकी रहे, 12 करने हैं ना, सो 12 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा, 9। ओके तो अब यहाँ पे हम वहाँ से जाएगी तो वो 9 के पास जाएगी, सो 2 + 1 3 एंड 3 + 9 12। ओके यस, तो 2, 1 एंड 9 ये तीन और में पास होगी तो वो 12 इंसेक्ट्स को खा लेगी। सो एवरीवन राइट दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक, सभी आंसर टेक्स्ट बुक में लिख दो। कैन यू सी दिस आंसर, सो राइट इन योर टेक्स्ट बुक फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHAT, व्हाट पाथ कैन द लिजार्ड टेक टू ईट 12 इंसेक्ट्स। अब हमें यहाँ पे देख, सॉरी, व्हाट पाथ कैन द लिजार्ड टेक टू ईट 20 इंसेक्ट्स। अब हमें यहाँ पे तीन ऐसे होल लेने हैं जिसमें 20 इंसेक्ट्स हो, यानी तीन कैसे, कौन से तीन नंबर को ऐड करोगे तो 20 होगा। एनीवन विल सी दिस, विच थ्री नंबर्स विल यू एड इट हियर एंड गेट द टोटल 20 इंसेक्ट्स। सी हियर, हमें यहाँ पे थ्री नंबर का ऐड करना है जिसका टोटल 20 होता हो, ठीक है, 20 इंसेक्ट चाहिए। तो अगर यहाँ से हम, यहाँ से वो एंटर होती है तो वो डायरेक्ट वो 9 के पास नहीं जा सकती या डायरेक्ट 0 के पास नहीं जा सकती, उसको क्या करना है, 1 by 1 ये जो पाथ दिया है ना उसके थ्रू ही उसको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट वो 5 के पास भी नहीं जा सकती, तो हम ऐसे थ्री नंबर सेलेक्ट करने हैं कि जो 1 by 1 करके 20 बनाता हो। जैसे यहाँ से वो पहले जाएगी 8 के पास, ठीक है, 8 के बाद वो जाएगी 9 के पास, तो 9 + 8 हमने देखा 17 होता है, ठीक है, 9 में ऐड करेंगे तो 17 होगा ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 होगा। अब 20 में हमारे कितने बाकी रहा, 18, 19 एंड 20। ओके तो 3 बाकी रहा, तो 3 ये कितना है, अब 9 के बाद कहाँ जाएगी, 3 के पास, तो 20 हो जाएगा। आर यू गेटिंग, यहाँ से वो डायरेक्ट 3 पे भी नहीं जा सकती, सो 1 by 1 It has to take the path and eat the insects. So, कौन सा नंबर आएगा, 8, 9 and 3। सो फर्स्ट सर्कल में हम लिखेंगे 8, सेकेंड सर्कल में 9 और थर्ड सर्कल में 3। नाउ एवरी वन राइट दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक फास्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टोरी। दिस टाइम द लिजार्ड गोज टू 4 होल्स टू ईट इंसेक्ट्स। अभी यहाँ पे क्या था कि पहले वो 3-3 होल्स में जाके इंसेक्ट्स को ईट कर दी थी, ठीक है, अब वो 4 होल्स में जाके इंसेक्ट को ईट करेगी, यानी 4 नंबर्स हमें ऐड करने रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पाथ डस DOES डस द लिजार्ड टेक टू ईट 18 इंसेक्ट्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि लिजार्ड ऐसा कौन सा पाथ लेगी जिसमें वो 18 इंसेक्ट्स को ईट कर सकती है। तो जैसे मैंने बताया वापस आपको, वो डायरेक्ट नहीं जा सकती, उसको वन पाथ के थ्रू ही जाना होगा, जहाँ पे रास्ता ही नहीं हो वहाँ पे हम डायरेक्ट जंप कर सकते हैं नहीं ना। सो हमें ये जो पाथ, ये लाइन दिया है उसको ही फॉलो करके हमें 18 बनाना है। कौन से 4 नंबर को हम ऐड करेंगे तो 18 बनेगा स्टूडेंट्स, कैन यू सी दैट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव 1 मिनट। ओके सो व्हाट नंबर इज दैट, सो फर्स्ट द लिजार्ड गोज टू हियर 6, ओके देन 6 के बाद कहाँ जाएगी, 3, तो 6 + 3 कितना होगा, 7, 8, 9, राइट। अब 9 के बाद कहाँ जाएगी, हमें 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं ना, सो 9 के बाद 8 के पास जाएगी, सो 9 + 8 हमने अभी काउंट किया कितना होता है, 17। ओके और एक अभी 18 बनाना है ना, और एक इंसेक्ट को खा जाएगी तो 18, यानी 4 नंबर का एडिशन हो गया, 6, 3, 8 एंड 1, इन चारों को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ओके सो राइट आंसर हियर 6 देन 3 + 1, ओके सो 6 + 3 + 8 + 1, ये 4 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 18। अंडरस्टूड दिस, सो 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18। एडिशन में आप कोई भी नंबर को अपने कन्वीनियंस से ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सिक्वेंस में ही ऐड करना है। सो 18 हो गया। एवरीवन राइट दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट पाथ डज द लिजार्ड टेक फॉर 12 इंसेक्ट्स। अब लिजार्ड को 12 इंसेक्ट्स ईट करने हैं, पर कितने होल में पास होगी, वो 4 होल में, यानी हमें यहाँ पे 4 नंबर्स को ऐसे ऐड करना है जिसका टोटल 12 होता हो। ओके एनीवन विल से द आंसर,
हमें यहाँ पे लिसन, यहाँ से 6 देन 3, अब 3 के बाद अगर वो 8 के पास जाती है तो बीच में 8 आ जाएगा, बाद में 1 आएगा और 2 आएगा. सो हमें ऐसा सीक्वेंस सिलेक्ट करना है जिसमें एक ही सीक्वेंस में 12 होता हो, राइट? ओके मम्मा, नाउ सी. ओके लेट्स सी हाउ टू डू इट. सी हियर, सो हम यहाँ से देखो लिजार्ड पहले इस साइड मूव करेगी तो वो 2 होगा, ठीक है? 2 के बाद वो 1 के पास जाएगी, सो 2 प्लस 1 इज 3. ओके अब 3 के बाद हम वो कहाँ पे जाएगी, 9, तो 3 प्लस 9 12 हो गया. पर हमें यहाँ पे तो 4 पार्ट में जाना है, तो 4 के बाद वो 9 के बाद कहाँ पे जाएगी, 0 में, यानी 12 प्लस 0 इज 12. हो गया ना, समझ में आया? जहाँ पे उसको एक भी इंसेक्ट नहीं मिलता, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले वो यहाँ पे 2 के पास जाएगी, देन 1, 1 के बाद वो 0 और 0 के बाद 9, दैट ऑल्सो विल मेक 12. ओके सो राइट एवरी वन हियर, फर्स्ट नंबर इज 2, देन 1, देन 0 एंड 9. हो गया, ये चार नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको टोटल 12 आएगा. और देखो वो एक ही डायरेक्शन में है, 2 है, 2 के प्लस 1 है 3, 3 के प्लस 0 3, 3 प्लस 0 3 एंड 3 प्लस 9 इज 12. देख सकते हो आप, आर यू एबल टू सी दैट आंसर? ओके सो दिस फोर नंबर्स एडिशन विल मेक 12. क्लियर एवरीवन? ओके नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 83, राइट? Here also is just activity, so you just listen it, no need to do anything. ये just activity है, उसको आपको just सुनना है, ठीक है? हमें उसमें कुछ भी करना नहीं है. आप घर पे अपने friends के साथ या आपके brother sister के साथ ये play कर सकते हो, ठीक है? So what is written here? Samina and Sadiq are now playing another game on the board of heads and tails. जैसे अभी हमने आगे देखा था ना कि समीना और सादिक हेड एंड टेल्स की गेम खेल रहे हैं, आपने देखा था? जब हेड आएगा तो वो कितना मूव करेगी, 10 स्टेप मूव करेगी, और टेल्स आएगा तो 1 स्टेप मूव करेगी, ठीक है? लाइक दिस वे ना. सो दे थ्रो अ 2 डाइस एंड एड नंबर्स टू गेट देयर पॉइंट्स. तो यहाँ पे वो लोग कॉइन से नहीं खेल रहे, यानी हेड एंड टेल नहीं खेल रहे, यहाँ पे वो डाइस यूज करते. देखिए सी द डाइस, जैसे हम लूडो खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर खेलते हैं ना डाइस से, वैसे ही ये लोग डाइस से खेलेंगे अब, ठीक है ना? उसके बाद क्या करेंगे, डाइस में जितने भी नंबर पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड था ना हमारे आगे हेड एंड टेल वाला, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहे, ये वाला वर्ड था ना उसमें वो लोग डाइस से खेलेंगे. तो डाइस में जितने भी नंबर पड़ेंगे उसके हिसाब से वो लोग मूव करेंगे, और जो फर्स्ट जो होम पे पहुंच जाएगा वो विनर होगा. ओके यहाँ पे क्या कंडीशन था कि हेड्स के लिए 10 स्टेप आगे जाना है और टेल्स के लिए 1 स्टेप आगे जाना है, दैट इज द कंडीशन व्हेन दे प्ले विद द कॉइंस. ओके बट यहाँ पे उसको डाइस से खेलना है, और डाइस में जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे अगर 6 और ये वाले डाइस पे 5 तो टोटल 11 होता है, तो वो 11 नंबर्स आगे मूव करेंगे. सो वैसे करके आपको ये बोर्ड वाली गेम आप हेड एंड टेल्स से भी खेल सकते हो और डाइस से भी खेल सकते हो. ओके दिस हैज टू बी प्ले विथ योर फ्रेंड्स और योर ब्रदर सिस्टर, ठीक है? Okay, so now here our textbook lesson is completed.